राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है। आपको बता दें कि 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होने हैं। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारना शुरू कर दिए। कुछ सीटों पर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है तो कुछ पर कांग्रेस ने। इसके अलावा अन्य पार्टियों ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं की जुबानी जंग छिड़ चुकी है। नेताओं की जुबान आपे से बाहर होने लगी और इसका जीता जागता उदाहरण है बाबा बालकनाथ का हाल ही में दिया गया बयान। लेकिन बिना सोचे समझे बयानबाजी करना कभी कभी भारी भी पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ अलवर सांसद और अब तिजारा से बीजेपी प्रत्याशी बाबा बालकनाथ के साथ। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ को तिजारा से टिकट मिलने के बाद अब वो एक मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। बता दें बाबा बालकनाथ को सोमवार को निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन का नोटिस थमा दिया है। उन्हें दो दिन में इस नोटिस पर अपना जवाब रिटर्निंग ऑफिसर को देना होगा। दरअसल सांसद बाबा बालकनाथ ने एक गांव में सभा को संबोधित करते हुए विवादित बयान देने के साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग को भी चुनौती दी। बालकनाथ ने कहा कि लोकसभा चुनाव में सभी जाति धर्म और समुदाय के लोगों ने मिलकर भाजपा को वोट दिए और केंद्र में भाजपा की सरकार बनी। इस बार ऐसी वोटिंग होगी जो सभी देखते रह जाएंगे। उन्होंने कहा वोट होंगे 1440 लेकिन डलेंगे 1450। उसके बाद जांच का भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि जब तक वोट डल चुके होंगे। बालकनाथ ने कहा कि हमें इस भावना से इस बार वोट डालने हैं। बाबा बालकनाथ का ये बयान सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं ने इसे बीजेपी के बूथ कैप्चरिंग का प्लान बताया। लोगों का कहना है कि जब वोट 1440 है तो बाबा 1450 वोट कहां से डलवा देंगे। बाबा बालकनाथ ने अपने इस बयान पर सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि आज के आधुनिक युग में ईवीएम से वोटिंग होती है। बूथ पर चुनाव अधिकारी सहित पूरी पोलिंग पार्टी मौजूद होती है। ऐसे में बूथ कैप्चरिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैंने जनता को मोटिवेट करने के लिए ऐसा कहा है ताकि लोग घरों से निकलकर ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। उन्होंने कहा लोग तो कुछ भी मायने निकाल सकते हैं, इस फालतू की बातों में वे अपना समय बर्बाद न करें। अब तो वे राजस्थान से बाहर निकलने के रास्ते खोजें कि किस रास्ते से बाहर निकलना है। बता दें साल 2017 में महंत चांदनाथ के निधन के बाद साल 2018 में बाबा बालकनाथ को नाथ संप्रदाय के महत्वपूर्ण स्थल मस्तनाथ मठ का महंत बनाया गया और साल 2019 में बीजेपी ने अलवर लोकसभा सीट से उन्हें टिकट दिया और उन्होंने कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह को हराकर जीत हासिल की। इससे पहले उन्हें प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। सतीश बिरादरी ने एकजुटता के साथ में लोकसभा चुनाव में अपना निर्णय और अपना मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमारे पक्ष में किया और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाली जो 25 तारीख है उसी भावना के साथ में 100% मतदान होगा और इस बार ऐसा मतदान होगा कि गांव के वोट होंगे 1440 और वोट करेंगे 1450। निर्वाचन आयोग वाले देखेंगे वोट तो 1440 1450 के खाते पड़ गया, उसका काम चलेगा भाई, जांच करो, पांच करो, कर लो जांच, क्या नहीं करोगा, वोट तो पड़ गया। उधर उपाले करते हैं कि हम 100 में से 80 वोट डालते हैं, हम 100 में से 110 डालेंगे, इस भावना के साथ में हमें काम करना है। तो बंधुओं देश आपके हाथों में है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।